गुड इवनिंग, वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू व्लॉग. ये हिंदी व्लॉग है, बंगाली ने एक्चुअली बंगाली भी खत्म किया तो आई गॉट कन्फ्यूज. एनीवे, सुबह से आज दो पोस्ट किया, एक मेरा हिंदी चैनल में जेनी चाम में और दूसरा बंगाली में जो है द फरीजन फैमिली. तो जेनी चाम में मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल दिखाया, होम डेकोर का मेरा आज थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो आज ही मैं पूरा वीडियो जो है वो पोस्ट कर देती, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई बिकॉज जो कलर मैं कर रही थी, जो चीज़ पे काम कर रही थी, वो थोड़ा टाइम और लगेगा उसको ड्राई होने में. अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ के बारे में बोल रही हूँ. मैं विंड शाइम और थोड़ा बालकनी को ना थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें कर रही थी, तो आज फिर से ड्यू हो गया बिकॉज एक तो कलर जो है बहुत थिक लेयर है तो उसको सूखने में टाइम लग रहा है, कलर सूखने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप कर सकती हूँ. और इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैंने पोस्ट किया जो कि है बंगाली चैनल में, बहुत दिन से मैं बोल रही थी पर नहीं कर पाई थी, वो था मेरा हेयर स्पा जो मैं घर में इजीली किया. तक आपने घर में नहीं किया प्लीज डू इट बिकॉज एक तो आपका पैसा भी सेव होता है, दूसरा आपका टाइम भी सेव होता है. स्पा करने से पहले मेरा हेयर का कैसा था और उसके बाद अभी देखिए, आज मैंने वॉश भी कर लिया शैम्पू से, इजीली समझ में आ रहा है. रात को आफ्टरनून को अच्छे से खा नहीं पाए, टाइम नहीं हुआ था, दो दो काम था, इसीलिए फ्राइड राइस बना के वो ही खा लिया था, सॉसेजेस था ना द वेजिटेबल्स था. रात को मैं बनाऊंगी फिश. अभी मैं अपना बंगाली जो ब्लॉग है उसको मैं खत्म करके आई, लाइक आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड बिकॉज उसमें मैंने दिखाया अपना साड़ी का कलेक्शन नहीं बोल सकती मैं, कुछ ही साड़ी दिखाया जो अभी तक मैंने नहीं पहना. सो इट्स अ साड़ी हॉल जो इस पूजा में डेफिनेटली आई एम गोना वेयर बिकॉज जब से मैंने खरीदा पहन ही नहीं पाए, तो इस पूजा में तो पहनना ही है जैसा भी हो, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज में, जैसे भी हो पहनना है मतलब पहनना है. बहुत कुछ हो गया, अभी जाऊंगी मैं, पहले तो मैं अपने इस आउटफिट को चेंज करूंगी. एथनिक पहनी हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है जो मुझे हमेशा से होता है, तो ज्यादा एथनिक पहन के साड़ी पहन के नहीं रह सकती, बहुत गर्मी लग रहा है. मैं जाऊंगी इसको चेंज करूंगी, उसके बाद बैठ के बात करेंगे. अभी शांति से आके बैठी, मिनी को दवाई खिलाना था, दिखाया उसको दवाई खिलाते कैसे है. बहुत को ये सोचता है कि यार विस्की को मिनी को कैसे दवाई खिलाते हैं या काट नहीं देता है, और इतना इजी होता नहीं है कैट्स और डॉग्स को या एनिमल्स को खिला के देना मेडिसिन. तो मिनी को खिलाने के टाइम ऐसा होता है, विस्की का अलग होता है. वो विस्की को कभी खिलाऊंगी तो दिखाऊंगी, ऐसे बोलने से ना समझ नहीं आएगा. अभी मैं चेंज करके बैठी हूँ तो मुझे शांति लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, गर्मी फिर से हो गया है. विकास का सडनली अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग का ऑफिस बंद है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. एक्चुअली हालत देख रहा है मेरा, स्पेशली मेरा हेयर का इतना लाइक डस्ट, एक्चुअली क्या हो रहा है दिख नहीं रहा है, मैं डस्टिंग कर रही थी. अभी रात को कितना बजा है देखना है, नॉर्मली मैं हर दो तीन दिन में कर देती हूँ पर इस बार चार दिन, आज फोर्थ डे है. अभी चेंज करूंगी उसको, वॉशिंग मशीन भी चलाना है. सुबह से मैं काम में बिजी इतना थी, ये सब चीज हुआ नहीं और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना देख के. एक्चुअली डस्टिंग पूरा भी हुआ नहीं, लाइक आप बोल सकते हो लाइक 85% 90% हुआ है एक्चुअली, बाकी कल करूंगी. स्पेशली ड्रेसिंग का जो एरिया है उसको बिल्कुल भी मेरा हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसमें छोटा छोटा बहुत चीज़ें हैं, उसको अच्छे से करना है जो मैं कल करूँगी, आज इतना रात को नहीं करूँगी. वॉशिंग मशीन चलाऊँगी, वॉशिंग मशीन ऐसे ही चलेगा मैं सो जाऊँगी. Thank you.
न्यू व्लॉग। व्लॉग तो मैंने कल रात से स्टार्ट किया था। सुबह उठी तो बालकनी में आए, वेदर बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत अच्छा है। और शायद थोड़ा सा लाइक अर्ली मॉर्निंग इज मेरे उठने से पहले एक्चुअली शायद थोड़ा सा बारिश भी हुआ है, तो काफ़ी प्लेजेंट है वेदर। और इसको हैंग कर दिया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना कलर करने के बाद, और बालकनी में ब्राइट लग रहा है क्योंकि मेरा स्काई ब्लू है, थोड़ा वाइट है, बर्ड्स है इधर पे, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। आज हेयर वॉश करना पड़ेगा मुझे, लेजी होके येस्टरडे वॉश करना था जो मैंने किया नहीं। मैं विंडो के इधर पे आके बैठी हूँ ना, आज बहुत बहुत दिनों बाद मैं इधर आके सुबह को बैठी कॉफ़ी लेके। मैंने ब्रेकफास्ट में आज किया एग ब्रेड टोस्ट एंड सॉसेज, जो बस लास्ट दो ही सॉसेज बाकी था, मुझे सॉसेजेस ऑर्डर करने हैं। या तो मुझे जाना है एडवांस में उधर पर जाके मुझे लेके आना है, अदरवाइज आसपास कहीं मिलता है नहीं, स्पेंसर में मिलता है तो उधर से लेके आना है। और क्या, और बस यही, और कुछ कुछ सामान है या तो ऑर्डर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। तो वेदर अच्छा है तो सोचा आज इतना दिनों बाद बेडरूम में आके ना कॉफ़ी पीती हूँ। रात में बनाऊंगी चिकन, और मेरे घर में कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया तो वही लेने जा रही हूँ। कॉर्नफ्लावर भी लूँगी और थोड़ा सा मुझे वो भी लेना है लाइक ब्लैक सोया भी बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो नीचे ही मिल जाएगा तो नीचे से पहले लेके आऊँगी। विकास अच्छा खासा घूम रहा है, मैं आके बताऊंगी कहाँ गया था वो। ये रहा चोरमिनी, उसको लगा है अभी भूख, उसका सब कुछ है, चिकन है, राइस है, उसका कुछ बनाना नहीं है। आज मुझे अपना डिनर बनाना है जो कि मैं बनाऊंगी चिकन चिल्ली। सो आज बनाऊंगी चिकन, सोच रही उसके साथ क्या बनाऊंगी, फ्राइड राइस मे भी, वो भी डिसाइड नहीं किया। एनीवे ये पार्सल आया है Amazon से, तो इसमें है मेरा लैपटॉप का एंटीवायरस जो था वो एक्सपायर हो गया तो ये मंगवाया मैंने। अच्छा बिल है, सो क्विक हील का, इसके पहले जो लिया था मुझे जितना याद है ना विकास स्टोर से लेके आया था, तो ये मैंने ऑनलाइन लिया Amazon से, वहां पे बहुत इजीली मिलता है। 36 मंथ्स का है तो अभी उसको इंस्टॉल करना है, रिन्यू करना है, जो भी बोलो तो वो मैं करूँगी। एक्चुअली दो दिन पहले मेरा ये एक्सपायर हो गया था जो एंटीवायरस है, क्योंकि बहुत कुछ है तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लैपटॉप के लिए, तो फाइनली आ गया आज, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा उससे पहले ये ज़रा देख के बोलिए तो कैसा लग रहा है? लाइट बंद करने से ना और ज्यादा सुंदर लग रहा है, लुकिंग ब्यूटीफुल ना, स्पेशली दिस फेरी लाइट्स जो है बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव दिस वन, ट्रस्ट मी, मैं अपना ही काम आई नो मैं बोल रही हूँ, पर ये वाला मुझे DIY बहुत पसंद आया। और यहाँ पे दिखाएगा हाउ मेनी डेज लेफ्ट टू एक्सपायर योर लाइसेंस। लाइसेंस के डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग यू विल गेट हियर लाइक एक्सपायरी डेट, इंस्टॉलेशन नंबर, किसके नाम पे है, एवरी डिटेल यू विल गेट हियर। सो जो एंटीवायरस आया है वो ऐसे आता है, पैकेट है एंड देयर इज, सो पैकेट है, देयर कम्स अ CD, और ये दिस इज अ यूजर गाइड, बट इट्स वेरी इजी यू नो,
यहाँ पे जो कोड है वो आपको एंटर करना है, जो पहले से अगर एंटीवायरस है आपका तो उसमें दिखाएगा लाइक री इंस्टॉल और दिखाएगा एग्जिट, ऐसा बोल के दो ऑप्शन आता है, पॉपअप आता है हमेशा, जब भी वो एक्सपायर हो जाता है वो हमेशा पॉपअप आता है। और द बेस्ट पार्ट इज ना, एक्सपायर होने से आई थिंक 10-12 दिन या 20 दिन पहले से ही वो दिखाना स्टार्ट हो जाता है, पॉपअप आता है हमेशा आपके लैपटॉप पे कि इट गॉन एक्सपायर इन लाइक 7 days, 10 days, 20 days, ऐसा करके आता है ताकि वो आपको आप मिस आउट ना करो उसको, बिकॉज ऑफकोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन लेना, बिकॉज बहुत कुछ हम लोगों का रहता है, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, बैंक रिलेटेड बहुत कुछ, ऑनलाइन हम लोग बहुत कुछ करते हैं तो उसमें हम लोग का बैंक डिटेल्स भी रहता है। सो वो आता है, जब ये आपके पास आता है यू जस्ट नीड दिस कोड एंड इट्स वेरी इजी कि आप उसको कैसे कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा जब मैंने किया तो मैंने थोड़ा सा दिखाया, करने के बाद एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप आता है, 2 या 3 स्टेप एंड इट्स वेरी इजी, वो पॉपअप आता है आपको वहीं पे लिखा होता है कि यू प्रेस दिस एंड दैट, सो दैट्स हाउ इट गेट्स रिन्यूड। और रिन्यू होने के बाद मैंने दिखाया कि दिखाता है कि कितना डेज लेफ्ट है to expire, which is very good. So hopefully आपको ये video अच्छा लगा है, just enjoy किया है, it's a normal day vlog जो मैंने सारा दिन आज किया। अच्छा, जाने से पहले एक चीज मैं आज शेयर करूंगी, मेरा एक शादी का vlog मैंने शेयर किया था, मेरा बहुत एक क्लोज फ्रेंड है कोलकाता से ही है जिसका नाम है देवशीष, तो वो US में शिफ्ट हो गया, तो वहीं पे मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि वो अभी उधर पे ही जॉब कर रहा है, सो आज उसका बर्थडे था तो मैंने उसको बोला था कि छोटा सा एक क्लिप हो सके तो मुझे व्हाट्सएप करके भेज, आई एम गोना ऐड इट ऑन माय चैनल, तो वो बोला है मुझे ये सब मत बोल प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा ठीक है कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें से ये भी है, तो फिलहाल वो वहां पे है, US पे है, तो उस वीडियो में आपने देखा ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। देखा नहीं है शादी वाला वीडियो उसका, रिसेप्शन वाला इनफैक्ट, तो प्लीज जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे व्लॉग तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज कोई भी कमेंट हो, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा डिफरेंट तरीके का कोशिश करें अपार्ट फ्रॉम दिस डेली लाइफ वाला कुकिंग ये सब चीजें। तो अभी तो पूजा चल रहा है तो मैंने कुछ दिन पहले जस्ट अभी बोल सकते हो आई थिंक यस्टरडे मैंने सारे का अपना हॉल दिखाया जो मेरा बंगाली चैनल में है, हेयर स्पा एट होम पहली बार दिखाया, बहुत दिन से बोल रहे थे मैं दिखा नहीं पाई थी वो भी दिखाया, तो इस चैनल में मैंने अपना DIY डेकोर वीडियो दिखाया, और मेरा प्लान है कुछ मेकअप रिलेटेड जो पूजा रिलेटेड है कुछ वैसा थीम करके उस टॉपिक पे कुछ वीडियोस, इसमें भी आएगा जैनी चैनल में, मेरा बंगाली चैनल द फर्स्ट एंड फैमिली उसमें भी आएगा, चैनल का डिस्क्रिप्शन दूसरा वाला चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो एंड चेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।